Good morning, students. In our last class, the last topic that we have discussed was the relation between orbital velocity and escape velocity, right? We have discussed that the orbital velocity is nearly equal to, the escape velocity is nearly equal to the root 2 times of the orbital velocity, right? Now we are going to start our next topic, that is the launching of an artificial satellite. जो artificial satellites होती हैं उनको किस तरीके से launch किया जाता है वो समझते हैं. इसको आपने launching of an artificial satellite, इसको आपने previous chapters में भी पढ़ा होगा as well as class 9th में भी पढ़ा होगा rocket propulsion में. यहाँ पर हम उसको जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आल्सो. सो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को किस तरीके से लॉन्च किया जाता है वो समझते हैं. बेसिकली जो रॉकेट प्रोपल्शन है दैट इज़ आल्सो द सेम थिंग. सपोज दिस बी द सैटेलाइट, ये एक सैटेलाइट होती है और यहाँ पर इस सैटेलाइट के साथ ये कुछ चैम्बर्स हैं जो जुड़े होते हैं, राइट? इस तरीके से ये कुछ चैम्बर्स हैं जो इस सैटेलाइट के साथ जुड़े होते हैं और इन चैम्बर्स में गैसेस फिल्ड होती हैं, राइट? इन चैम्बर्स में कुछ गैसेस जो हैं वो फिल्ड होती हैं और इन गैसेस के साथ साथ यहाँ पर कुछ एक्सप्लोजिव भी लगे होते हैं, राइट? दिस इज बेसिकली द एक्सप्लोजिव. इन एक्सप्लोजिवस को लगाने के पीछे रीज़न ये कि जब ये इन एक्सप्लोजिव में हम विस्फोट करवाएंगे, एक्सप्लोजन करवाएंगे, तो ये जो गैसेस हैं उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और उन काइनेटिक एनर्जी के कारण ये जो गैसेस हैं वो इन चैम्बर्स से बाहर निकलने की कोशिश करेंगी, राइट? जिसके लिए यहाँ पर एक ऑरिफिस लगा होता है. यहाँ पे कुछ छेद होते हैं और इनकी हेल्प से ये जो गैसेस हैं वो बहुत हाई वेलोसिटी से बाहर आती है. इस पार्ट को बोला जाता है ऑरिफिस. बेसिकली ये जो है वो सैटेलाइट है. तो ये किस तरीके से वर्क करती है वो समझते हैं. जैसे ही यहाँ पे एक्सप्लोजिव को हमने एक्टिवेट किया या यहाँ पे एक्सप्लोजन करवाया, तो इस एक्सप्लोजन के कारण क्या होगा, जो गैसेस हैं उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, राइट? ये तीन अलग अलग चैम्बर्स हैं. दिस इज़ द फर्स्ट चैम्बर, दिस वन इज़ द सेकेंड, दिस वन इज़ द थर्ड चैम्बर. सबसे पहले जो थर्ड चैम्बर की गैसेस हैं वो यहाँ से इजेक्ट आउट होंगी और जब ये यहाँ से इजेक्ट आउट होंगी तो ये बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट? और आपको पता है न्यूटन के थर्ड लॉ से दैट द फॉरवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू द रिएक्शनल फोर्स. और जब ये गैसेस नीचे की तरफ एक बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रही हैं तो उस डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाया जाता है जिसको हम बोलते हैं अप थ्रस्ट, राइट? द अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड एज द अप थ्रस्ट. थ्रस्ट बेसिकली एक ऐसा फोर्स जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, राइट? अगर किसी ऑब्जेक्ट पर 90 डिग्री के एंगल से कोई फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो दैट फोर्स इज कॉल्ड द थ्रस्ट, राइट? सो बेसिकली क्या होगा कि जैसे जैसे ये गैसेस इजेक्ट आउट होती हैं, बहुत हाई वेलोसिटी से इजेक्ट आउट होंगी, तो सिंस दे आर इजेक्टिंग आउट विद अ वेरी हाई वेलोसिटी, सो उतना ही फोर्स इस इन चैम्बर्स पर ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा जिसको हम अब थ्रस्ट बोलेंगे. और इसके कारण ये जो पूरा सेटअप है उसको बहुत एक्सट्रीमली हाई वेलोसिटी मिलेगी, दैट इज ग्रेटर देन 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, विच इज एक्चुअली द एस्केप वेलोसिटी, राइट? तो जब हमने उसको इतनी ज़्यादा वेलोसिटी से गेन करवाई, इतनी ज़्यादा वेलोसिटी दी, तो ये रॉकेट जो है वो एक पॉइंट के बाद अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर पाएगा, राइट? अब एक चीज़ और, यहाँ पर लॉ ऑफ मोमेंटम जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो भी यहाँ पे फॉलो हो रहा है. वो ऐसे कि जैसे जैसे यहाँ से गैसेस निकलती जाएंगी वैसे वैसे ये जो चैम्बर है वो अलग होता जाएगा, राइट?
तो जैसे जैसे यहाँ से गैसेस इजेक्ट आउट हुई, चैम्बर अलग हुए, तो मास रॉकेट का जो मास है वो रिड्यूस होता जाएगा। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन से आपको पता है कि टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, और सिंस टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, तो जैसे जैसे मास कम होगा वैसे वैसे वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, राइट? सो इस तरीके से एक जो रॉकेट है उसको लॉन्च किया जाता है, और वी कैन से द रॉकेट की हेल्प से जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया जाता है। अब बेसिकली क्या हुआ, जैसे ही लास्ट वाले चैम्बर की, थर्ड वाले चैम्बर की जो गैसेस है वो कम्प्लीटली इजेक्ट आउट हो गई, तो ये वाला चैम्बर अलग हट जाएगा, और अब हमारे पास बचा एक सैटेलाइट और ये दो चैम्बर्स, राइट? उसके बाद क्या होगा, ये जो सेकेंड वाला चैम्बर है उसकी भी गैसेस इजेक्ट आउट हो जाएंगी, और फिर आपके पास केवल एक सैटेलाइट और एक चैम्बर, फिर ये लास्ट वाला चैम्बर भी बाहर हो जाएगा और सिर्फ हमारे पास सैटेलाइट बचेगी, और वो जो सैटेलाइट है वो ऑटोमेटिकली जिस प्लैनेट के ऑर्बिट में हम उसको लॉन्च करना चाहते हैं उस प्लैनेट के ऑर्बिट में लॉन्च हो गई। जब ये लॉन्च हुई तो इसको हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी गेन करवाई, और जब हमने इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी गेन करवाई दैट इज 8 किलोमीटर पर सेकेंड, इस वेलोसिटी से हमने इसको लॉन्च किया है, तो ये और ये जो सैटेलाइट है वो इसी ऑर्बिट से, सॉरी इसी वेलोसिटी से जो प्लैनेट है उसका चक्कर लगाती रहेगी, एंड दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड द ऑर्बिटल वेलोसिटी। और इस तरीके से एक सैटेलाइट है जो है उसको लॉन्च किया जाता है। वन थिंग हैज़ टू बी मेंशन हियर दैट कि इसका जो मोशन होता है दैट इज द पैराबोलिक मोशन, राइट? जब सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो वो एक पैराबोलिक मोशन को फॉलो करते हुए लॉन्च होती है। सो दिस इज बेसिकली द प्रिंसिपल बाय विच द प्रिंसिपल विच हैज़ टू बी फॉलोड जब हम एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तब, राइट? सो दिस मस्ट बी क्लियर टू यू कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च किस तरीके से किया जाता है, उसका पूरा प्रोसीजर यू हैव टू राइट अगर एग्जाम में आता है तो थियोरिटिकली, राइट? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। आपने सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा, कुछ ऐसी सैटेलाइट्स होती हैं, कुछ पर्टिकुलर सैटेलाइट्स को हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, या इनको हम सिंक्रोनस सैटेलाइट्स भी बोलते हैं, राइट? सो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होती हैं वो समझते हैं, या इसको हम सिंक्रोनस सैटेलाइट भी बोलते हैं। सिंक्रोनस सैटेलाइट से हमको समझ में आ रहा है समथिंग विच इज सिंक्रोनस इन सिंक विद समथिंग, राइट? कोई ऐसी चीज जो किसी दूसरी चीज के साथ सिंक में हो। और जियो स्टेशनरी से हमको समझ में आ रहा है दैट इट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू अर्थ। जियो शब्द का मतलब है अर्थ, तो समथिंग विच इज रिलेटेड टू अर्थ, और स्टेशनरी स्टेशनरी का मतलब जो कि रेस्ट में हो। तो यहाँ से हम कुछ कुछ आइडिया लगा सकते हैं। एक ऐसी सैटेलाइट जो कि रेस्ट जो कि अर्थ की रिस्पेक्ट में हमको रेस्ट में लगती है, राइट? मतलब अगर मैं किसी रैंडम प्लैनेट से देख रहा हूँ तो मुझे वो सैटेलाइट अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में लगे, ऐसी सैटेलाइट को मैं बोलूँगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब कोई भी सैटेलाइट मुझे अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी तब लगेगी जब उसकी एंगुलर वेलोसिटी सेम हो एज दैट ऑफ अर्थ, राइट? ऑल्सो उसका जो रिवॉल्यूशन का डायरेक्शन है, उसकी जो पोजीशन है वो सेम हो एज दैट ऑफ अर्थ, तब मुझे ये लगेगा कि जो जो वो जो सैटेलाइट है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, एंड दैट काइंड ऑफ सैटेलाइट इज सेट टू बी द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो सिंपली यू कैन से दैट व्हेन अ सैटेलाइट इज ऑब्जर्व फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट इन टू द यूनिवर्स, एंड इफ द सैटेलाइट इज अपियर्स टू बी स्टेशनरी टू अस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बिकॉज इट्स एंगुलर वेलोसिटी सेम एज दैट ऑफ द अर्थ एंड एज वेल एज द एंगुलर डायरेक्शन इज ऑल्सो द सेम एज दैट ऑफ द अर्थ, देन द वेलोसिटी इज सेट टू बी द सिंक्रोनस वेलोसिटी और द जियो स्टेशनरी सॉरी सिंक्रोनस सैटेलाइट और द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, राइट?
सिंक्रोनस सैटेलाइट उसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो अर्थ के साथ सिंक में है, जैसे जैसे अर्थ मूव कर रही है वैसे वैसे वो भी मूव कर रही है, जिस डायरेक्शन में अर्थ मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में वो भी मूव कर रही है, तो दैट इज वाई वो सिंक, चूंकि वो अर्थ के साथ सिंक में है इसीलिए उसको सिंक्रोनस सैटेलाइट बोला गया है, राइट? सो जस्ट आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर, ऐसी सैटेलाइट जो कि अर्थ के साथ सिंक में होंगी उनको हम बोलेंगे सिंक्रोनस सैटेलाइट्स। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो इनसेट 1A, इनसेट 2B, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट और द सिंक्रोनस सैटेलाइट, वेयर दिस इन स्टैंड्स फॉर इंडिया, सेट स्टेट्स फॉर सैटेलाइट, इट्स द इंडियन सैटेलाइट। सो इनसेट 1 एंड इनसेट 1A एंड इनसेट 2B आर द एग्जांपल्स ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स, राइट? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज ऑल्सो अ थियोरिटिकल टॉपिक, दैट इज द पोलर सैटेलाइट्स। सो क्या समझते हैं हम पोलर सैटेलाइट्स से, दैट थिंग ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। पोलर हमको नाम से समझ में आ रहा है समथिंग विच इज रिलेटेड टू द पोल्स ऑफ द अर्थ, राइट? सो पोलर सैटेलाइट इज दैट सैटेलाइट विच रिवॉल्व्स इन द पोलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड जो पोलर ऑर्बिट्स हैं, अर्थ के पोल्स के आसपास के जो ऑर्बिट और जो अर्थ के पोल्स के आसपास के जो ऑर्बिट हैं उसमें जो सैटेलाइट्स रिवॉल्व करती हैं उन सैटेलाइट्स को हम बोलते हैं पोलर सैटेलाइट्स, राइट? A polar satellite is that whose angle of inclination with the equatorial plane of Earth is 90 degree and the satellite in polar orbit will pass over both the north and south geographic pole once per orbit. ये जो satellites होती हैं वो north और south pole को once per revolution cover करती हैं, right? So basically हर वो सैटेलाइट जो कि पोल के आसपास रिवॉल्व करती है उस सैटेलाइट को बोला जाता है पोलर सैटेलाइट। और इनका एडवांटेज ये है कि एक सिंगल पोलर सैटेलाइट 100% अर्थ को कैप्चर कर सकती है, राइट? एक सिंगल पोलर सैटेलाइट ही हमारी पूरी अर्थ को कैप्चर कर सकती है, हमारी पूरी अर्थ को का 100% व्यू जो है वो हमको मिल सकता है, मतलब अर्थ पर एवरी लोकेशन हर एक लोकेशन को वो लोकेट कर सकती है ट्वाइस इन अ डे, मतलब एक दिन में दो बार हम किसी भी लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोलर सैटेलाइट्स। और सिंस वो इतनी इफेक्टिवली हमको इमेजेस देती हैं दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड फॉर द ओजोन लेयर डिप्लीशन। जो अंटार्कटिका में हमको ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में पता चला था दैट वॉज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द पोलर सैटेलाइट्स ओनली। आपको पता होगा ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में दैट अंटार्कटिका के पास में जो ओजोन की लेयर है इट हैज़ गॉट डिप्लीटेड, उसके बारे में जो हमको पता लगा था दैट वॉज बिकॉज ऑफ द पोलर सैटेलाइट्स ओनली, कि अंटार्कटिका के पास के व्यूज जो थे उन्होंने उसकी हेल्प से हमने कैप्चर किए थे, राइट? नाउ the important topic of the chapter we are going to discuss, the next topic is, that is the Kepler's law of planetary motion. Kepler के जो laws हैं वो एक important topic बनते हैं इस chapter का। So what are basically the Kepler's law of planetary motion? As the name suggests, Kepler was a name of scientist. Kepler ने कुछ laws दिए थे प्लैनेटरी मोशन को समझाने के लिए, राइट? कोई भी प्लैनेट जब एक ऑर्बिट में अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो वो कुछ लॉज को फॉलो करता है एंड दैट लॉज वर गिवन बाय साइंटिस्ट कैपलर, राइट? जितने भी प्लैनेट सन के अराउंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं उनके द्वारा फॉलो किए जाने वाले लॉस को कैपलर ने समझाया था अपने नियमों में, जिसको हमने बोला कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन।
वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये जो कैपलर ने जो लॉज दिए थे उनमें उन्होंने क्या बताया था, राइट? सो कैपलर का जो फर्स्ट लॉ था वो बेसिकली हमको बताता है, एक्चुअली पहले तक ये अज्यूम किया जाता था कि जो सन है उसका जो ऑर्बिट है वो एक सर्कुलर पाथ है और अर्थ उस सर्कुलर पाथ में मूव करती है, राइट? बट कैपलर ने हमको ये बताया कि सन का, दिस इज द सन, पहले ये अज्यूम किया गया था कि सन का ऑर्बिट एक सर्कुलर पाथ होता है और अर्थ उस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है। बट कैपलर हैज टोल्ड अस दैट कि सन का जो ऑर्बिट होता है दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्फेयर बट इट इज स्लाइटली एलिप्टिकल इन शेप। अर्थ का जो, सन का जो ऑर्बिट है वो स्लाइटली टिल्टेड है, स्लाइटली एलिप्टिकल है शेप में, और इसी एलिप्टिकल ऑर्बिट में जो अर्थ है या जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं, राइट? सो बेसिकली जो फर्स्ट लॉ है वो हमको शेप ऑफ द ऑर्बिट बताता है, एंड शेप ऑफ द ऑर्बिट कैसा, एलिप्टिकल शेप ऑफ द ऑर्बिट के बारे में हमको बताता है, राइट? अब सेकंड लॉ, कैपलर का जो सेकंड लॉ है वो हमको ये बोलता है कि प्लैनेट्स जो हैं वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से सन के आसपास रिवॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं, राइट? यहाँ पे एरियल वेलोसिटी लिखा है। एरियल वेलोसिटी का मतलब ये कि उन्होंने ये बोला था कि जितने समय में, मान लीजिए इतना एरिया कवर हो रहा है, उतने ही समय में इतना एरिया कवर होगा, मतलब कि अगर मैं दो फिगर्स ड्रॉ करूं और उन दोनों का एरिया अगर सेम है तो उन दोनों एरिया को कवर करने में जो उसको समय लगेगा वो भी सेम होगा, राइट? मतलब कि इक्वल एरिया इज टू बी कवर्ड इन द इक्वल टाइम इंटरवल। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट्स व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट्स ऑफ द सन इज सेम, राइट? इज कॉन्स्टेंट। प्लैनेट्स एक कांस्टेंट वेलोसिटी से सन के आसपास रिवॉल्व करेंगे, दैट इज देयर एरियल, उनकी एरियल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी, राइट? नाउ द थर्ड, कैपलर का जो थर्ड लॉ है, कैपलर का थर्ड लॉ बेसिकली हमको ये बोलता है कि जो टाइम पीरियड होगा द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब, सॉरी द टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब। अब सेमी मेजर एक्सिस का मतलब क्या वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। आपको पता है कि जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल शेप का है, इसका मतलब एक साइड से इसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी और दूसरे साइड से इसकी डिस्टेंस कम होगी। सो सन जो ज्यादा डिस्टेंस है उसको हमने बोला मेजर एक्सिस, और जो आधी डिस्टेंस मतलब जहां से कम है उसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। दिस इज द सेमी माइनर एक्सिस एंड दिस वन इज द सेमी मेजर एक्सिस। तो जो थर्ड लॉ है वो हमको ये बोलता है कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब। मतलब अगर मुझे टाइम पीरियड पता है तो मैं सेमी मेजर एक्सिस निकाल सकता हूँ, और अगर सेमी मेजर एक्सिस पता है तो टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ। सो दीज आर बेसिकली द थ्री लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन दैट वर गिवन बाय द कैपलर, एंड ऑल दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। ओके, सो दिस टॉपिक यू शुड प्रिपेयर फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन ऑल्सो, राइट? दिस इज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द पार्किंग ऑर्बिट, राइट? द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज दिस ऑफ द चैप्टर, दैट इज द पार्किंग ऑर्बिट। बेसिकली क्या होता है पार्किंग ऑर्बिट का मतलब, पार्किंग शब्द से हम समझते हैं पार्किंग एक ऐसा एरिया जहां पे हम अपनी गाड़ी को खड़ा कर सकते हैं, राइट? सो पार्किंग ऑर्बिट इज ऑल्सो क्वाइट सिमिलर टू दैट ओनली। जैसे हम एक पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं, वैसे ही पार्किंग ऑर्बिट वो ऑर्बिट होता है
जिसमें कोई कंट्री अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकती है, राइट? सो एक ऐसी ऑर्बिट जिसमें कोई कंट्री अपनी सैटेलाइट को लॉन्च कर सकती है उसको बोला जाता है पार्किंग ऑर्बिट, राइट? सो पार्किंग ऑर्बिट इज जस्ट दैट एरिया जहां पे कोई भी कंट्री अपनी सैटेलाइट को लॉन्च करेगी. अगर हम इस पार्किंग ऑर्बिट के लिए एक एक्सप्रेशन समझना चाहें, सो द एक्सप्रेशन कैन बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन. एंड स्टूडेंट्स, यू नो दैट द एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन कैन बी गिवन बाय t is equals to 2 pi by r under root of r plus h ka whole cube upon me r, right? This is the upon me g aayega yahan pe, r to pehli baar chala gaya. So we have got 2 pi by r upon, under root of r plus h ka whole cube upon me g. This is the expression for the time of revolution जो हमने derive किया हुआ है. यहाँ से अगर मैं इस expression को square कर दूँ, on squaring both the sides, हमने क्या कर दिया, दोनों sides squaring कर दी, so we will get t square is equals to 4 pi square upon में r square into r plus h का whole cube upon में g, right? This is the thing that we have got from here. हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ स्क्वेयरिंग कर दी है दोनों साइड से. ऑल्सो एक चीज मैं करता हूँ, दैट दिस आर प्लस एच का होल क्यूब इज इक्वल्स टू टी स्क्वेयर आर स्क्वेयर जी अपॉन में फोर पाई स्क्वेयर. दिस इज द थिंग दैट वी हैव गॉट. R plus H का whole cube is equals to T square G square G, R square G upon में 4 pi square. हमने सिर्फ terms को थोड़ा सा arrange करके लिखा है, nothing else we have done here, right? सिर्फ terms को arrange कर दिया. यहाँ से एक चीज और हम कर सकते हैं, इस cube को अगर मैं हटाऊं तो यहाँ पे power आ जाएगी 1/3, right? इस पूरे की power हमने लिख दी 1/3. ऑल्सो एक चीज, मुझे यहाँ से h की वैल्यू निकालनी है, सो h हमारे पास आ गया, h इज इक्वल्स टू टी स्क्वेयर आर स्क्वेयर जी अपॉन में 4 पाई स्क्वेयर की पावर 1/3 माइनस 1. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द h. h मीन्स वो हाइट, जिस हाइट पर जो ऑर्बिट होगा उस ऑर्बिट में कोई भी कंट्री अपना सैटेलाइट को लॉन्च कर सकती है. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर h. यहाँ से अब जब आप सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, so that you may get the value of h here, which is approximately 36,000 kilometer. ये वो particular height होती है जिस particular height पर अगर कोई object, अगर कोई orbit है तो उस orbit में जो countries हैं वो अपनी satellites को launch कर सकते हैं, right? जो geostationary satellites होती हैं उनको approximately इस height पर launch किया जाता है, और इस हाइट पर जो ऑर्बिट है उसको बोला जाता है पार्किंग ऑर्बिट, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर स्टूडेंट्स. हैंस आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ. फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.